28 10 2023 को एक कंप्लेंट दी थी, इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो सामान घरों में भेजती है ऑनलाइन, उनके अधिकारी बलवान सिंह, उन्होंने कंप्लेंट दी थी SHO सिटी को, उन्होंने तत्काल FIR दर्ज करके, और अमित कुमार सनोप धन सिंह जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का आजकल दादरी में है, काकडोली गांव उसका रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में करीब करीब 85 लाख रुपये का गमन बताया था, तो हमारी सिटी पुलिस स्टेशन की टीम ने 70 लाख रुपये के उस सामान में रिकवरी की है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया, एक आरोपी की गिरफ्तारी बताया है, उसमें मोबाइल थे और घरेलू ज़रूरी सामान था, जिसमें से हमने 108 मोबाइल फ़ोन, 5 स्मार्ट वॉच, बैग, कपड़े, जूते वगैरह 70 लाख रुपये का सामान बरामद किया है। तो सर 85 लाख रुपये का गबन उसने कबूल किया, तो गबन सर कैसे करते थे सर? ये ऑनलाइन स्कैनिंग करते थे, जो माल ऑनलाइन कोई मंगाता था उसका स्कैन करके और वो उसमें और कुछ डाल के वो सामान एक तरफ कर देते थे। वो जाँच में पता लग गया भाई ये ऑनलाइन स्कैनिंग करके अगले जिसके डिलीवरी होनी है वहाँ नहीं जा रहा माल, कहीं और जा रहा है, तो उनके कंपनी के अधिकारी बलवान सिंह ने अपनी जांच करके एक FIR दर्ज कराई हमारे यहाँ, तो सेम डे ही तत्परता दिखाते हुए सेम डे गिरफ्तार कर लिया। ये SHO सिटी और उनकी टीम का बड़ा सराहनीय कार्य है, 70 लाख रुपए की रिकवरी की है। तो कुल कितने लोग शामिल हैं जो इस तरह का? अभी तक एक नाम और आया है, उसी गिरफ्तारी पकाया है, बाकी और कोई नाम आएंगे तफ्तीश के दौरान वो आपसे शेयर किए जाएंगे। रिकवरी में क्या कुछ है आपने नाम? 108 मोबाइल हैं, 5 स्मार्ट कार्ड हैं, बैग, एयर बैग, बैग हैं, कपड़े हैं, इस तरह का घरेलू सामान भी है, एक लैपटॉप भी है। तो सर आप कितने पूरे टाइम के अंदर ये सर गबन हुआ है, कितने समय से ये काम कर रहे थे सर ये? ये देखो अभी प्रारंभिक उसमें तो हमारा समय निर्धारित हुआ नहीं है, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड उनसे लेना हमारा बकाया है, कुछ उन्होंने बताया वो पीछे कई दिनों से चल रहा था, वो कंप्लीट जो कंपनी से आ जाएगा उनकी बुकिंग का, डिलीवरी का जो परफॉर्मा उनका होता है रिकॉर्ड, वो आने के बाद क्लियर तो हो पाया। कितने दिन का? लगभग एक डेढ़ महीने का था। एक डेढ़ महीने में 50 लाख के आसपास। जी जी। तो सर ये 108 मिले थे तो अभी तक इन्होंने बेचे नहीं किसी को आगे, अगर ये इकट्ठे? नहीं नहीं, वो तो हमारे पुलिस SHO सिटी की टीम की तत्परता रही ना, बेचने नहीं पाया, वो एक से डंप कर रहा था, इन्होंने उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया और वो डंप करे हुए एक जगह मिच्छे मिल गए। सर ये तो पूरा गिरोह होगा ना इस काम के लिए? वो तफ्तीश अभी चल रही है ना, एक बकाया है उसके आगे क्या लिंक निकलते हैं वो उसके बाद बताएंगे आपको। सर ये सिरसा में कहाँ काम करता था? सिरसा में फ्लिपकार्ट का काम करता था। ये जनता भवन रोड पर कार्यालय इनका। तो सर पूछताछ में बताया कि किस तरह से उसने ये आइडिया बनाया, वो इस पूरे ग्रुप का मास्टरमाइंड सर कौन है, कुछ पता चला है पूछताछ में उन्होंने बताया? उन्होंने एक और लड़का नाम बताया जो बकाया है, इन दोनों ने मिलके वो मास्टरमाइंड प्लान, हाँ मास्टरमाइंड ये है, लेकिन दोनों ने मिलके प्लान किया था, वो इसमें जो शामिल था वो एक की गिरफ्तारी बकाया। सर ये किस पोस्ट पर था उस कंपनी में जो? पोस्ट तो इनकी प्राइवेट कंपनी में क्या क्या पोस्ट होती हैं, टीम लीडर कोई पोस्ट है इनकी। हिसार से में कहा? और इसे गांव से काकडोली से। फिर इसको गिरफ्तार कब किया गया आरोपी? 28 10 को रात को।